हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल जी। आपको आज हम सिखाएंगे एक प्लाजो पैंट का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। ये जो कटवर्क से बनेगा और बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बनता है। आप इसे एक बार बनाकर देखिएगा, आपके सिंपल से सूट की लुकिंग है वो भी बढ़ जाएगी। और इस डिज़ाइन को आप बाजू में भी बना सकते हो। यहाँ पे हमने एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी ली है। इसके नीचे मैंने फ्यूज़ पेपर लगा लिया है। ये जो पट्टी है ये बिल्कुल स्ट्रेट ली है यहाँ पे आपने, और ये पट्टी नहीं लेनी है, सीधी पट्टी लेनी है। और इसकी चौड़ाई हम 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा ले लेंगे, जैसे 1 से 2 पॉइंट आप ज़्यादा ले लीजिए। बस इसको आप एक बार प्रेस कर लीजिए अच्छी तरह सेंटर में से, और फिर इसको इस तरह सिल लेंगे। 2 बार फोल्ड करेंगे ज़रा ज़रा सा साइडों से, और एक बार बीच में से सेंटर में से फोल्ड कर देंगे। और इसको हमने, इस पट्टी को इस तरह रेडी कर लेना है। चलिए इसको हम बना लेते हैं। पहले ये वाली पट्टी हमें थोड़ी लंबी चाहिए होती है। अगर आपके पास छोटे छोटे पीसीज हैं तो आप ऐसा करें, लंबी पट्टियाँ नहीं बनती हैं तो पीसीज में बना लें, क्योंकि हमने इसके पीसीज ही कट करने हैं बाद में। 3-3 इंच के पीस काटेंगे, तो इसको पहले रेडी कर लेते हैं। फ्यूज़ पेपर लगाने से पट्टी थोड़ी साफ़ बनती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर फ्यूज़ पेपर लगा लिया था। पहले आप एक कपड़ा लें, उसके नीचे फ्यूज़ पेपर चिपका लें, उसके बाद आप पट्टियाँ काट लें 1 से 1.25 इंच की, तो उसके बाद सिलाई करें, तो ये बहुत अच्छी पट्टियाँ बन जाती हैं। ये जो पट्टी होती है इस तरह के कई डिज़ाइनों में काम आती है, आप इसे इसी तरह फिनिशिंग से बनाएं। चलिए इसमें पहले बना लेती हूँ सभी को, बनाकर आपको दिखा देती हूँ। इसकी देखिए फिनिशिंग कितनी परफेक्ट आती है। तो लीजिए, मैंने सारी डोरियाँ ये पट्टियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। अब इसे साइड में रख लेते हैं। अब इसके लिए अगला डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कपड़ा लिया है, उसके नीचे फ्यूज़ पेपर लगा लिया है। तो अगर आपका आपका कपड़ा मोटा है थोड़ा, वो उसकी ज़रूरत नहीं है फ्यूज़ पेपर की, तो इसकी कपड़े की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है। ऊपर से 1 पॉइंट छोड़ते हुए, ऊपर से 1 से 2 पॉइंट छोड़ते हुए यहाँ पर मैंने 1.75 यानी कि 1.25 इंच का एक निशान लगा लिया है। इसकी जो निशान की लाइनें हैं उसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। पहले हम 2 इंच का निशान लगाएंगे इसके ऊपर, फिर 2-2 इंच के गैप पे आगे हम निशान लगाते जाएंगे। तो इस तरह हमने 2-2 इंच के गैप पे निशान लगाते जाना है। तो इस साइड 1 इंच का निशान लगाएंगे, उसके बाद फिर 2-2 लगाएंगे, तो यहाँ पर ये जो निशान है दूसरे वाले निशान के बीच में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में हमने लगा लेना है। अब हम इसके ट्रायंगल्स बना लेते हैं। इस तरह कोई भी स्केल लीजिए या फिर इंच टेप लीजिए, इन निशानों को आप तिरछे में मिला दीजिए, तो ये हमारा इस तरह ड्रॉ हो जाएगा डिज़ाइन। आपने जो ये पट्टी की लंबाई है वो अपने पोंचे के हिसाब से लेनी है। अगर आप लूज़ पैंट, लूज़ प्लाजो बना रहे हो तो उतनी लीजिएगा, अगर आप पैंट प्लाजो बना रहे हो तो उसके हिसाब से लीजिएगा। तो निशान लगाने के बाद एक कपड़ा और रखते हैं उसके बराबर, और यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, इसकी चौड़ाई हम 3 से 3.5 इंच ले लेते हैं, और यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद इसके बीच में 1.5 इंच का एक बॉक्स बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे 1.5 इंच के गैप पे मैंने एक बॉक्स बना लिया है। अब इसके अंदर हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे 1.5-1.5 इंच के निशान लगाते हैं। पहले हमने 2 के लगाए थे, अब हम 1.5-1.5 इंच के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे ये निशान आमने सामने बिल्कुल बराबर लगाने हैं, यहाँ पे तिरछे नहीं लगाने हैं। 1.5-1.5 इंच के इधर लगा लिए हैं, 1.5-1.5 इंच के उधर लगा लिए हैं। तो इन निशानों को हम कर लेते हैं बराबर दोनों साइड। तो यहाँ पर ये जो डोरी हमने बनाई थी इसको इसके ऊपर रखेंगे। तो एक डोरी पहले कट कर लेते हैं, तो इसकी लंबाई बता देती हूँ। यहाँ पे 3 इंच की एक डोरी काटी है हमने, तो 3-3 इंच की पहले सारी डोरियाँ कट कर लेते हैं, क्योंकि डिज़ाइन हमारा बराबर बनना है तो ये डोरियाँ इतनी ही हमें लंबी चाहिए। यहाँ पे पहले एक किनारे पे रखते हैं और सिलाई लगा लेते हैं। इस वाले पीस को दूसरी साइड तिरछा मिलाना है, तो यहाँ पर मिलाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, 2-2 पीस रखेंगे। अभी अगली टर्न में 2 पीस आ जाएंगे, क्योंकि उसने एक साइड को दूसरी साइड को जाना है, एक दूसरी साइड को। इस तरह हमने इन पीसीस को लगाकर पहले रेडी कर लेना है। पहले एक साइड सिल लेते हैं। अखबार के ऊपर या पेपर के ऊपर हमने इसलिए लगाया है कि ये डिज़ाइन बिल्कुल फिनिशिंग से बने। आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, लेकिन वो फिर वो फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस तरह हम पहले इनको रेडी कर लेते हैं। तो एक साइड की सिलाई हमारी हो चुकी है, अब दूसरी साइड की सिलाई भी सेम वैसे ही उन्हीं निशान के ऊपर जो जो निशान हमने लगाए थे उसी तरह इस तरह इनको क्रॉस करते हुए हम सिल देंगे। तो ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्रिटी बनता है। आप इसे घेरे पे बनाइए, बाजू पे बनाइए, या फिर प्लाजो के नीचे बॉटम पे बनाइए, बहुत ही सुंदर बनेगा। अगर आप गले पे बनाना चाहते हो सीधी पट्टी में तो वो भी बना सकते हो। तो लीजिए ये हमारा परफेक्ट सा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अब हम ट्राइंगल्स को रेडी कर लेते हैं। पहले कपड़े को जोड़ लेंगे। पहले हमने ट्राइंगल्स वाले कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ जोड़ लेना है। अब हम इसको सिलना शुरू करेंगे ऑन द मार्क, जैसे जैसे हमने मार्क किया है सेम वैसे ही सिलेंगे। फ्यूज़ पेपर लगाने का ये फ़ायदा रहता है कि ये थोड़ी स्टिफ हो जाती है कपड़ा ये हमारा, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है।
और अगर आप नहीं भी लगाना चाहते हो तो भी ये बन जाएगा डिज़ाइन। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमने दो पॉइंट का कपड़ा साइड से छोड़ा था, उस साइड से हमने इसकी कटिंग करनी है। जिस साइड ज़्यादा कपड़ा है उस साइड नहीं करनी है, वो हमें सिलाई के लिए चाहिए। अब इसके एजिस को भी अच्छी तरह फिनिश कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल नहीं रखना है। और यहाँ पे अब इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको भी हम कट कर लेंगे। ये जो कॉर्नर का हिस्सा है इसको भी आपने काटना है, तभी ये अच्छी तरह फोल्ड हो पाएगा। अब हम इन्हें सीधा कर लेते हैं। आप किसी पेन पेंसिल की हेल्प से इन्हें सीधा कर लीजिए अच्छी तरह। इसके जो एजिस हैं आपने बिल्कुल क्लियरली निकालने हैं, तभी इसमें फिनिशिंग आएगी। इस तरह सीधा करने के बाद इसे प्रेस कर लीजिए एक बार। प्रेस करने के बाद फिर हम इसे अटैच करेंगे अपने डिज़ाइन के साथ। तो ये प्रेस मैंने इसे कर लिया है, अब हम इसके साथ इसको जोड़ लेंगे। अभी आप मार्जिन छोड़िए सिर्फ सिलाई का, बाकी का पेपर आप सारा कट कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा डोरियाँ हैं वो भी काट दीजिए, बस उतना ही छोड़ना है जितना हमें सिलाई में लेना है। लीजिए इस तरह हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसको जोड़ लेते हैं इसके साथ। अभी जो प्लेन है, जो फ्यूज पेपर वाला कपड़ा है उसको नहीं लेना है, जो अभी प्लेन वाला कपड़ा है उसको लेंगे, उसके ऊपर हम इसको सिल लेंगे। इस तरह इसको सीधा रखिएगा और इस तरह सिल लीजिएगा। अभी कई लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि आपने पेंट प्लाजो की जो लंबाई है वो कितनी कम ली है, तो मैं आपको एंड में बताऊँगी इस चीज़ का आंसर। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। सारे टिप्स इसी वीडियो के अंदर हैं, आपको पूरे टिप्स मिलेंगे। एंड में मैं आपको बता दूंगी कि आपने पेंट प्लाजो की जो लंबाई है वो कितनी कम रखनी है। तो यहाँ पे सिलने के बाद ये ऊपर की तरफ सीधा हो जाएगा। अभी इसको भी आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे, तो ये सिलाई इसके ऊपर आ जाएगी। इस तरह देखिए कितनी फिनिशिंग आ रही है इसमें, बहुत ही परफेक्ट ये वाला डिज़ाइन बनता है। जो सिंपल ट्रायंगल्स होते हैं उनके साथ भी मैं आपको डिज़ाइन बनाना बता दूंगी, वो भी बहुत बढ़िया बनता है, वो अगले वीडियो में आ जाएगा। और पेंट प्लाजो के आपको अगर और भी कोई डिज़ाइन देखने होते हैं तो आप हमारे पेज पर जाके देख सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन मैंने ऐसे डाले हुए हैं। तो लीजिए ये हमारा पैटर्न इस तरह रेडी हो गया है, अब हम इसको प्लाजो के साथ सिल देंगे। तो यहाँ पे इसका पैटर्न का हाफ कर लीजिए और पेंट प्लाजो को भी इस तरह बराबर में रखिए, और रखने के बाद एक सिलाई उतने ही मार्जिन पे लगा देंगे जितने पे हमने डोरियाँ लगाई थी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना। अब कपड़े को ऊपर की तरफ करते हैं, जिसकी सिलाई है वो ऊपर की तरफ करते हुए हम इसके ऊपर दबाव की एक सिलाई लगा देंगे। तो लीजिए ये सिलाई हमने लगा दी है, अब साइडों से फिनिशिंग दे दीजिए और ये पेपर को निकाल दीजिए। अभी पेपर का कोई काम नहीं है, पेपर को आपने बिल्कुल अच्छी तरह इसके अंदर से निकाल देना है, और ये इजीली निकल भी जाता है। एक ही स्टिच है इसके ऊपर, आप इसे निकालोगे इजीली निकल जाएगा। तो लीजिए ये पैटर्न हमारा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही परफेक्ट बना है। अब मैं आपको इसको एक बार प्रेस करके सेट करके दिखा देती हूँ। अभी हम इसे सेंटर में करते हैं। सेंटर में करने के बाद इस तरह साइड से सिलाई लगा देंगे फिटिंग की, और ये जो इसके ट्रायंगल्स हैं इनको आपस में मिला लीजिएगा, और इस तरह रखते हुए हम किनारे से सिलाई लगाएंगे और बाद में इसको कटिंग कर देंगे, फिनिशिंग दे देंगे साइड से जो भी एक्स्ट्रा होगा। तो लीजिए ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही सुंदर बना है। पहने हुए तो इसकी ग्रेस और भी ज़्यादा आती है, आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और बनाकर देखिएगा। और भी डिज़ाइन हमारे पेज पे हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ये जो डिज़ाइन बना है बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। और यहाँ पे जो लंबाई है प्लाजो की 3.5 इंच ये एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब है कि आपने जब पैंट बनानी है तो कटिंग करनी है तो 3.5 इंच आपने कम कट करनी है, तो बाकी की लंबाई आप अपने हिसाब से सेट कर सकती हैं। Thank you for watching.